कैसी कैसी एनिमे सीरीज रिकमेंडेड करते हो यार तुम लोग। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डेविल मैन क्राई बेबी एनिमे सीरीज के बारे में। टोटल इसके अंदर 10 एपिसोड है और हर एपिसोड में कहूंगा कि 23 से 24 मिनट का है। अगर तुम इसे इसका इंट्रो और आउट्रो अगर बाहर निकाल दो तो ये टोटल 20 मिनट का ही एक एपिसोड बन जाता है, यानी 10 × 20 = 200 मिनट, यानी 200 मिनट में ये सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी और ये आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। तो मैं उनका नाम ले दूं जिन्होंने ये सीरीज मुझे सजेस्ट की। उनका नाम है हमारे एक सब्सक्राइबर MD राशिद जी ने। तो पहले इसकी कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे क्या इसमें अच्छा और क्या इसमें बुरा है। तो धरती पर मॉन्स्टर आ गए, यानी एक तरीके से राक्षस आ गए हैं। राक्षस अब इस धरती पर आकर अपना कब्जा करना चाहते हैं और वो इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल, और इनके पास जो पावर है कि वो इंसानों का रूप भी धारण कर लेते हैं। एक लड़का दिखाया गया अकीरा, तो उसके शरीर के अंदर भी एक मॉन्स्टर चला जाता है, लेकिन वो अकीरा का जो दिल जो है इतना अच्छा है, इतना साफ है कि उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी नहीं हो पाता, और इससे उल्टा हो जाता है वो। मतलब मॉन्स्टर अकीरा के ऊपर हावी होने के बजाय अकीरा जो है उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो इससे अपने आप को वो कहने लगा डेविल मैन, यानी अकीरा को पावर मिल जाती है, राक्षस की पावर मिल जाती है, लेकिन दिल जो होता है वो इंसान का होता है। और जो अकीरा के शरीर में जो मॉन्स्टर गया था वो एक इसका ही दोस्त था, अकीरा का जो दोस्त था रियो, इसके कहने के बाद ही जो एक ये राक्षस है वो अकीरा के शरीर में चला गया था। अब ये क्यों गया, उसने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, ये सब जानने के लिए तो देखो यार आप लोगों को ये सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज के जो लास्ट के कुछ एपिसोड है वो इतने ज्यादा डरावने हैं और इसकी जो एंडिंग है वो इतनी ज्यादा भयंकर है कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, उससे हटके इसकी एंडिंग होने वाली है। अकीरा जब डेविल मैन बनता है तो उसके पास जब पावर आती है तो वो मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करता है, जो गलत मॉन्स्टर्स हैं जो लोगों को मार रहे हैं। तो ऐसे ही करते करते जो लोगों को पता चल जाता है कि इस दुनिया के अंदर राक्षस भी हैं, वो इंसानों के रूप में रह रहे हैं, तो एक तरीके से राक्षस और इंसानों के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और ये लड़ाई इतनी ज्यादा भयानक है कि हर एक इंसान एक दूसरे को बिना वजह से मार रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर कि भाई तू मॉन्स्टर है, तेरे अंदर मॉन्स्टर है, तेरे अंदर राक्षस है, और हर जगह आग ही आग लगी हुई है। आप लोगों को इंसानों के अंदर का एक राक्षस देखने को मिल जाएगा, जो रियलिटी में जो उनके सामने जो राक्षस होता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक राक्षस उनके दिमाग में बैठा है। इस एनिमे सीरीज की कहानी बहुत ज्यादा मुझे पसंद आई। मैं ये कहूंगा कि नेटफ्लिक्स पर अब तक की मैंने जितनी एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी देखी है उनमें सबसे बेस्ट ये एनिमे मेरी यही रही है, मतलब नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो ये थे इसकी कुछ अच्छी बातें, अब इसकी कुछ कमियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जब अकीरा के अंदर जो राक्षस एंटर करता है तो अकीरा में क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे वो अपने शरीर को, मतलब उसके अंदर शरीर के अंदर बदलाव होते हैं, तो ये सब चीजें या फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट, या मैं एक सिंपल भाषा में कहूं, हमें बताया नहीं गया कि उस कैरेक्टर की अंदर की सोच क्या है, वो क्या सोचता है, तो ये सब टोटली इसके अंदर मिसिंग था। इस सीरीज की सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगी कि इतनी तेज तेज चलती हुई हमें नजर आई कि इसने कहीं पर भी ठहराव लाकर किसी भी कैरेक्टर को समझाने या कुछ भी बताने की कोशिश नहीं की। इतनी जल्दी ये सीरीज शुरू होती है और इतनी जल्दी ये खत्म हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, इस सीरीज की कहानी बहुत अच्छी है और इस सीरीज का जो एंडिंग, आपने आज तक जितनी भी एनिमे मूवी एनिमे सीरीज देखी होगी यार आपने सोचा होगा इसकी एंडिंग ऐसी होती है और वैसी निकल भी जाती है, कुछ एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। और जब आप इसकी एंडिंग देखोगे और ये सीरीज खत्म हो जाएगी तब ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे यार आखिरकार इसके मेकर्स आपको बताना क्या चाहते हैं। और एक और चीज, इस सीरीज के अंदर इतनी ज्यादा न्यूड सीन है, मतलब इसका हर एक एपिसोड, उसके एपिसोड में मैं कहूंगा कि यार ज्यादातर तो उसमें न्यूडिटी ही दिखाई गई और बहुत ज्यादा लेवल की न्यूडिटी है, जो मेरे हिसाब से देखा यार मुझे तो पसंद नहीं आई, लेकिन कईयों का अपना हिसाब हो सकता है, शायद उन्हें पसंद भी आ सकती है। अगर इस सीरीज को कोई अच्छा स्टूडियो अगर डायरेक्ट करता, उसकी अच्छी एनिमेशन करता, तो मैं ये कहता कि ये एक ऐसी सीरीज बन सकती थी जो अटैक ऑन टाइटंस को टक्कर दे देती। इस सीरीज के बीच बीच में जब डेविल मैन, यानी जो अकीरा जो डेविल मैन है, तो वो बीच बीच में राक्षस से लड़ता है, तो उसकी जो लड़ाई दिखाई गई उन राक्षस से वो इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन लास्ट की जो लड़ाई है माइंड ब्लोइंग है यार। इस सीरीज के एंडिंग तक जाते जाते अकीरा अपनी एक फौज तैयार कर लेता है डेविल मैन के नाम से ही, मतलब कि ऐसे लोग जो अपने शैतान के ऊपर कब्जा कर सकते हैं और वो इंसानों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके बीच में, मतलब जो डेविल मैन, यानी जो अकीरा डेविल मैन और उसकी फौज, और वो उस खिलाफ, उसके इंसान के खिलाफ, इंसान तो नहीं कहूंगा कि यार एक दूसरा ही कुछ है, मैं बताना नहीं चाहता, मतलब उसके खिलाफ लड़ता है जिसने जो ये राक्षस जो इस धरती पे लेकर आया। अब देखो, मैं ज्यादा इसके बारे में बात करके आप लोगों को कोई भी स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, मैं नहीं चाहता कि यार कोई भी स्पॉयलर्स मेरे मुंह से निकले और मेरा कमेंट बॉक्स गालियों से भर जाए। तो मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 7.5 out of 10 सार। अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैं कह सकता हूं कि यार जाकर देखो, एक अच्छी कहानी है, लेकिन अगर तुम न्यूड कोई सीन नहीं देखना चाहते हो, तुम ऐसी कोई सीरीज पसंद नहीं करते, देखो एक एची सीन अलग होते हैं और इसके अंदर न्यूडिटी कुछ ज्यादा ही है। यार बाकी अगर किसी ने सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।